सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शुभम जी हैं। इन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु नाथ संप्रदाय से हैं और मैं भगवती तारा जी की आराधना करना चाहता हूं, तो किस प्रकार उनकी साधना करूं, इसमें कृपया मार्गदर्शन करें। तो ऐसा है कि 10 महाविद्याओं का अर्चन करने से पूर्व, उनकी विशेष साधना करने से पूर्व उनकी दीक्षा ली जाती है, उनके मंत्र की साधना की विधि सीखी जाती है और उसके बाद में उसमें वो व्यक्ति अधिकृत होता है और फिर करने में वो प्रवृत्त हो और फिर साधना करे, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो आप जो है किसी योगी गुरु से पहले दीक्षा लें और विधान सीखें, फिर जो है उसमें अग्रसर हों। तो हमारे यहाँ अभी सनातनियों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ये जो है 10 महाविद्याओं को दीक्षा रूप में देने वाले हमारे मूल चारों पीठों के पूज्य शंकराचार्य जी हैं। उनसे आप किसी से भी दीक्षा ग्रहण करें और उनसे अनुमति लें, परिचर्या सपर्या सीखें, फिर उसमें प्रवृत्त हों। चारों पीठों के शंकराचार्य यद्यपि योग्य हैं, सब सही हैं, उनमें भी जो है वरिष्ठाचार्य हमारे ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवतपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज हैं, उनका यदि आपको सान्निध्य मिल जाए, उनकी शरण ग्रहण कर लें, उनसे पद्धति आप सीख लें तो सर्वोत्तम होगा। तो तारा जी की आप जो है दीक्षा भी लेवें और वहाँ से पूरी सपर्या पद्धति ये सब सीखें, तो ये हमारा आपके लिए सुझाव है, निवेदन है, इसको आप स्वीकार करें। ऐसे कोई पद्धति यदि हम बता भी देवें आपको कि भाई ऐसे पूजन करना है, तो पूजन पद्धति कुछ बृहत है, बड़ी है, ये फोन पे समझाना यहाँ से बोल करके समझाना संभव नहीं होगा। ये तो योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके जब आप दीक्षा पूर्वक विधिवत अध्ययन करेंगे तब ही संभव होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, हर हर महादेव।